बाय सेल रेंट प्रॉपर्टीज एट propnation.co.in। आज का वीडियो बेस्ड है निलाया ग्रीन्स में एक 2 BHK विद स्टडी रूम पर, और ये जो फ्लैट है इसका एरिया है 1002.99 यानी के करीब करीब 1003 स्क्वायर फीट, और जो इसका कारपेट एरिया है एज पर रेरा वो 58.84 स्क्वायर मीटर है। तो ये एक अच्छी यूनिट है उन लोगों के लिए जो कम बजट में एक बड़े स्पेस की यूटिलिटी चाहते हैं। फ्लैट हालांकि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आपको यूटिलिटी काफी अच्छी देता है। ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस जो कि आपको आई शेप में मिलता है, और इसके एक तरफ आपको किचन मिलती है और दूसरी तरफ आपको एक लॉबी मिलती है जो कनेक्ट करती है स्टडी रूम और कॉमन वॉशरूम को। ये मेन एंट्रेंस है इस यूनिट का, यहां पर आप अपना सोफा प्लेस कर सकते हैं, और इस तरफ का जो एरिया है ये डाइनिंग एरिया की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर आपको मिलेगी किचन जिसमें अंदर ही आपको मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, और कुछ इस तरह से इसकी सीलिंग हाइट है। इस किचन के साथ में आपको एक अटैच बालकनी मिलती है जो कि एक यूटिलिटी बालकनी के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, जहां पर आपको वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजंस मिल जाएंगे। और इस साइज में जो आपको इन्वेंटरीज मिलेंगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले स्टेज पे मिलेंगी, ना कि रेडी टू मूव इन में। इस वीडियो को सिर्फ आप एक रेफरेंस के तौर पे देखिएगा कि यदि आपको ये साइज परचेज करना है तो कुछ इस तरह का ये बनने के बाद में आपको मिलेगा। ये वो कॉमन लॉबी है जो कनेक्ट करती है आपके बाकी यूनिट को, जिसमें से पहली चीज है ये कॉमन वॉशरूम। अभी यहां पर सैनिटरी फिटिंग वगैरह लगने बाकी है, और ये है इसका स्टडी रूम। स्टडी रूम्स का काफी अच्छा है आजकल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी चलन में है, तो उसके लिए ये स्पेस काफी अच्छा है यदि आप इसको एज ए स्टडी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो। पोडियम पे बना हुआ प्रोजेक्ट है ये, तो आपको जो आपने अभी देखा ये सेक्शन, ये पोडियम पर बना हुआ सेक्शन है और ग्राउंड जो है इसका वो इसके नीचे की तरफ आपने देखा। इस तरफ आपको मिलेगा इस यूनिट का फर्स्ट बेडरूम जिसमें आपको मिलता है एक वार्डरोब का स्पेस और एक अटैच बालकनी जो कि मास्टर बेडरूम के साथ में शेयर्ड भी है। ये है वो बालकनी जिसको प्रॉपरली हम आपको मास्टर बेडरूम के साथ में दिखाएंगे, बट यहां से जो व्यूज हैं वो कुछ इस तरह के रहते हैं। आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। इस तरफ आपको मिलता है ये मास्टर बेडरूम इस यूनिट का, जहां पर आपको एक वार्डरोब का स्पेस, एक अटैच्ड वॉशरूम और वो शेयर्ड बालकनी जो आपने अभी प्रीवियस बेडरूम के साथ में देखी है वो आपको मिल जाती है इस रूम के साथ में। और ये जो भी आप एक पेंट का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह का पेंट आपको नहीं मिलता है एक नॉर्मल यूनिट में, आपको एक प्लेन पेंटेड मिलती है यूनिट। और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। आइए नजर डाल लेते हैं इसकी बालकनी पर। एक डिसेंट साइज की यह बालकनी है। ये इसका फेज 2 है राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है ये फेज 1 में आता है।
इस वीडियो को आप एक रेफरेंस के तौर पे तो देखेंगे ही, इसके अलावा इसे एक कंस्ट्रक्शन अपडेट के तौर पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हम ऑलरेडी 2-3 वीडियोस कर चुके हैं और तब की स्टेज में और आज की स्टेज में काफी डिफरेंसेस आए हैं जो कि आपको इजीली विजिबल भी होंगे। आपको दिखाते थे इसका स्विमिंग पूल वाला एरिया, यहां पर आपको किड्स पूल और एडल्ट पूल दोनों ही पूल्स बनाकर दिए गए हैं। पीछे काफी बड़ा सा ग्रीन स्पेस और उसके पीछे जो आप वो व्हाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है एम्फीथिएटर एरिया। यहां पर आपको चेंजिंग रूम मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से आपको स्टेयरकेस मिलते हैं यहां पर। और ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल होने के बावजूद भी किसी भी मामले में सस्ता नहीं लगता। यहां पर आपको हर ब्लॉक में 3 लिफ्ट मिलती हैं और 2 स्टेयरकेस मिलते हैं। और ये जो एरिया है अभी ये पोडियम वाला स्पेस है जहां पर आपको एक ग्रीन स्पेस और सिटिंग एरिया वगैरह बनाकर दिए जाते हैं। यहां पर भी आपको मिल जाती हैं 3 लिफ्ट। और यहां पर आपको मिलता है ये ओपन जिम और एक किड्स प्ले एरिया। अभी यहां पर आर्टिफिशियल जो फ्लोरिंग होती है थोड़ी सॉफ्ट वाली वो यहां पर होनी बाकी है। और ये जो लेफ्ट हैंड पर आप टावर्स देख रहे हैं यहां पर भी आपको यूनिट्स मिल सकती हैं। अभी ये पोडियम एरिया से ग्राउंड एरिया का व्यू और अभी आपको दिखाते हैं इसका ग्रीन स्पेस। यहां पर भी आपको एक किड्स प्ले एरिया बनाकर दिया गया है। लैंडस्केपिंग का जो काम है वो काफी अच्छे से किया गया है। इसी एरिया में आपको एक वॉकिंग ट्रैक भी मिल जाता है। ये और ये बच्चों के लिए काफी अच्छा एक्टिविटी एरिया के तौर पे भी आप इस्तेमाल करेंगे। एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में इतने सारे फीचर्स दे पाना ये वाकई में काबिले तारीफ काम किया है डेवलपर ने। और यहां पर जो क्लब भी आपको मिलता है वो क्लब भी किसी भी मामले में कम नहीं है, काफी अच्छा है। ये है इसका क्लब का एरिया जहां पर आपको इंडोर गेम्स, पार्टी हॉल, जिम, इस तरह की सुविधाएं सब मिल जाएंगी। अभी इसका फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। और यहां पर आपको काफी बड़ी सी एक किचन भी मिलती है ताकि जब भी कभी आप यहां पर कोई फंक्शन होस्ट करते हैं तो आपको जो कुकिंग वगैरह के लिए स्पेस चाहिए होगा वो स्पेस आपको अंदर ही अवेलेबल है कि अगर
कभी बारिश जैसी स्थिति कोई बनती है तो आप इजीली अपना फंक्शन यहां पर मैनेज कर सकते हैं सारी चीजों को। ये भी ऑलमोस्ट फिनिश वाली स्टेज में पहुंच रहा है, 15 से 20 दिनों में शायद ये एक अच्छा सा स्वरूप ले लेगा और ये इसका दूसरा एक्सेस है क्लब का। ये इसका आउटडोर गेम्स वाला एरिया है जहां पर आपको क्रिकेट और बैडमिंटन की सुविधाएं मिल जाती हैं। और इसका जो फेज वन है उसका कंप्लीशन आ चुका है, पोजीशन ऑफर किया जा चुका है, फैमिलीज यहां पर बहुत जल्दी मूव करना स्टार्ट करने वाली हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी चाहते हैं मगर क्वालिटी और अमेनिटीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहां पर भी आपको एक वॉकिंग ट्रैक मिल जाता है आउटडोर गेम्स के साथ साथ में। ये है बैडमिंटन कोर्ट। और यहां पर भी आपको एक मल्टीपर्पज स्पेस बना के दिया जा रहा है, इसकी भी फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। और लोकेशन वाइज भी ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, जो मेन दिल्ली मेरठ रोड है NH 58 उससे करीब करीब पूरा 1 किलोमीटर के आसपास ये अंदर पड़ता है और इसके पास में ही RRTS बन रही है। तो फ्यूचर में ये लोकेशन काफी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में रहने वाली है और बजट वाइज भी ये काफी अच्छे हैं फ्लैट्स। इस फ्लैट की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 31,69,000 के आसपास आती है। यदि आप इस फ्लैट की कॉस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और सामने जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया आप देख रहे हैं ये है इस प्रोजेक्ट में बन रहा कमर्शियल स्पेस, जो काफी अच्छा, काफी यूजफुल और काफी यूटिलिटी आपको देगा क्योंकि यहां पर करीब 100 के आसपास शॉप्स हैं और यदि आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि आप सोचिए कि यहां पर काफी संख्या में फैमिलीज रहेंगी और आसपास के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जो कमर्शियल्स बने हैं या तो बने ही नहीं है या फिर अगर बने हैं तो वो इतने बड़े या इस तरह से प्लान्ड वे में नहीं बने हुए हैं। तो ये एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आप इसको देखें तो ये काफी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर यदि आप एक दुकान परचेज करते हैं तो वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भविष्य में देगी। और ये जो कमर्शियल है इसमें आपको 3 फ्लोर बनाकर दिए जा रहे हैं, जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, और इसमें आपको सुपर स्टोर, नॉर्मल शॉप्स और इसके अलावा काफी सारी चीजें मिलेंगी जो भी आपके डेली नीड्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इस तरह से आपको अपर ग्राउंड के लिए एक्सेस मिल जाएगा और लोअर ग्राउंड के लिए जो एक्सेस है वो हम आपको अभी वीडियो के आने वाले सेक्शन में दिखाते हैं। और ओवरऑल जो इसका एलिवेशन है, कमर्शियल का भी जो एलिवेशन है वो भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइंड है। जब ये कंप्लीट होगा तो दिखने में ये काफी सुंदर लगेगा। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये अपर ग्राउंड के लिए कनेक्ट करती हैं और यहां पर आपको लोअर ग्राउंड के लिए सीढ़ियां मिल जाती हैं। तो ये काफी अच्छी अप्रोच रहेगी कमर्शियल के पॉइंट से यदि आप इसको देखते हैं। तो एक बार आप इसका फील ले सकते हैं यहां पर
किस तरह की ये शॉप्स हैं, क्या हाइट है और यहाँ से जो व्यूज रहेंगे वो किस तरह के रहेंगे। सामने कोई हाई राइज नहीं आना है, ये लो राइज विलास बने हुए हैं जो कि इंडिपेंडेंट विलास हैं। और इसका भी पोजीशन बहुत जल्द होने वाला है, तो एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये एक काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। एज ए होल इस प्रोजेक्ट में आपको स्कूल भी मिलता है, कमर्शियल तो आप देख ही रहे हैं अभी, और फ्लैट्स यहाँ पर आपको 1 BHK, 2 BHK और 2 BHK विद स्टडी रूम मिलते हैं। 2 BHK विद स्टडी रूम का अभी आप यूनिट प्लान अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये है एज ए होल इस प्रोजेक्ट का साइट प्लान। ये एक 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, GDA और RERA से अप्रूव्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।